मैं हूं संतोष निगम, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बैकबेंच जोसेफ स्टॉक्स। चलिए गाइस शुरुआत करेंगे आज के वीडियो को, जो भी कल हम लोगों ने लेवल्स डिस्कस किए थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के, उसके एनालिसिस के साथ में। सो गाइस कल हम लोगों ने एक अपने वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट जो है वो गिर सकता है, हम लोग को एक गैप डाउन ओपनिंग भी मिली, यहाँ से एक पुल बैक लिया मार्केट ने और पुल बैक के बाद में हम लोगों को और एक गिरावट मिली, जो कि हम लोगों ने जो डिस्कस किया हुआ ट्रेंड लाइन था डाउन साइड से वहाँ तक हम लोग को मिली, एंड देन हम लोगों को वहाँ से एक बाउंस बैक मिला, लेवल वन मिला जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, देन नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पे वीक नहीं था एग्जैक्टली, जो हम लोगों ने वीक लेवल डिस्कस करके रखा हुआ था बैंक निफ्टी का, जो कि है 37,870 का पिन पॉइंट, देख लीजिए यहाँ पे इसने लिया है रिजेक्शन, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना करके यहाँ से हम लोगों को देन जो भी हम लोगों ने लेवल टू डिस्कस किया था वो इसने आज के दिन में दे दिया है। अब गाइज मेरा मार्केट का व्यू जो है, जैसे कि अगर आप लोग मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने पोस्ट किया है कि मेरा प्रेडिक्शन है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। सो अगर हम लोग देखेंगे, जब मैंने आप लोग को पोस्ट किया था तब से लेके यहाँ तक इस लेवल तक करीब 200 पॉइंट बैंक निफ्टी जो ऑलरेडी गिर चुका है, और कल मेरा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट खुलेगा, रेजिस्टेंस फेस करके कल मार्केट जो है वो डाउन साइड में गिर जाएगा। लेट्स सी कल हम लोग का जो प्रेडिक्शन है वो किस हिसाब से चला जाता है। ओवरऑल अगर आज के दिन के बारे में बात करेंगे तो बहुत ही शानदार प्रॉफिट जो आज हम लोग को देखने को मिला है। अगर से बात करेंगे निफ्टी के फ्यूचर्स के बारे में तो 17,357 का हम लोगों ने लेवल डिस्कस किया था, देख लीजिए ये वाली कैंडल ने एग्जैक्टली इसको यहाँ पे टच किया है, रेजिस्टेंस फेस किया है गैप डाउन ओपनिंग के बाद में, साथ में हम लोगों ने प्राइस एक्शन का एक डाउन साइड से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ था, यहाँ से रिजेक्शन लेकर के जो भी हम लोगों ने लेवल 17,237 का डिस्कस किया था वो हम लोगों को मिल गया, एंड देन मार्केट में हम लोग को एक अपसाइड का मोमेंटम जो है वो मार्केट में देखने को मिला था। और अगर आप लोग मेरे प्राइम ग्रुप के रिसर्च के बारे में बात करेंगे, सो गाइस आज भी जैसे कि आप लोग देखते हैं कि मेरे प्राइम ग्रुप में डेली एक या दो मनी डबल कॉल होती है, सो मनी डबल कॉल में आज हम लोगों की दो बैंक निफ्टी की कॉल चली थी जिसमें बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट जो आज के दिन में हम लोग को देखने को मिला है। मारुति कल मैंने दिया था होल्डिंग के लिए, जिसमें आज हम लोग को करीब 11,000 रुपये का प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल रहा है। और जो मेरा ब्रह्मोस करके मैं स्क्रीनर आप लोग के लिए पोस्ट करते रहता हूँ, उसका आज मैं परफॉर्मेंस जो है वो डालना भूल गया था, मतलब उसका स्क्रीनशॉट डालना, थोड़ी देर में मैं उसे भी पोस्ट कर दूंगा। सो यहाँ पे देख लीजिए एस्कॉर्ट्स मैंने मार्केट ओपनिंग से पहले ही पी ई बाई करने को लगाई थी जिसमें अच्छा प्रॉफिट हो गया, ITC भी उसी में से स्टॉक थी। सो दो स्टॉक्स आज हम लोगों की एक्टिवेट हो गई थी उसमें से, जिसमें हम लोग को एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल रहा है। ओवरऑल काफ़ी शानदार प्रॉफिटेबल दिन था आज का। सो आप लोग ये सारे स्टॉक्स को अपने चार्ट रीडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं ताकि आप लोग को बेहतर वॉल्यूम वाले स्टॉक्स मिले किसी भी प्राइस एक्शन को सीखने के लिए। और अगर गाइज हम लोग बात करेंगे जो भी मैंने तीन ब्रेकआउट स्टॉक्स आप लोग के साथ में आज के दिन के लिए शेयर किए थे उसके एनालिसिस के साथ में, जिसमें से पहली स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस किया था TCS की, 3,305 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हो पाई थी जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, सो हम लोग को एंट्री नहीं मिली थी और बियॉन्ड लेवल वन हम लोग को TCS में PE साइड में एंट्री मिली थी, यानी कि PE में बहुत अच्छे खासा प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिला है। जो सेकेंड कॉल आज के दिन के लिए हम लोगों ने डिस्कस की थी वो थी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की। अब गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की पहली कैंडल जो है वो हम लोग को यहाँ पे अपसाइड में जो है वो मिल गई है एग्जैक्टली डाउन साइड से रिजेक्शन लेते हुए, अगर इसको हम लोग को ब्रेकआउट मिलता था तो प्राइस एक्शन पे हम लोग अपसाइड में ट्रेड करते थे, लेकिन वो हुआ नहीं, सो हम लोगों को यहाँ पे मिली एंट्री सेल साइड में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की पी में हम लोग को बहुत ही अच्छे खासा प्रॉफिट जो है वो आज के दिन में देखने को मिला है। और जो थर्ड कॉल आज के दिन के लिए हम लोगों ने डिस्कस की थी आप लोगों के लिए वो थी LTTS की। LTTS में हम लोगों को एक गैप डाउन हो गया, यहाँ से रिजेक्शन मिला, यहाँ पे हम लोग का एक ट्रेड बना था लेवल टू तक, देन इसने बाउंस बैक करने की कोशिश की लेकिन और एक बार नीचे आ गया, सो यहाँ पे हम लोगों का ट्रेड टू जो है वो अगेन बना था जिसमें हम लोग को पी साइड में अगेन प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, यानी कि LTTS में दो हम लोगों के जो ट्रेड्स है वो बने थे। इसी के साथ ही गाइज 263 एपिसोड्स तक जो भी मैंने थंबनेल पे क्लेम की हुई जो एक्यूरेसी है 99% की वो आज भी बरकरार है, मेरी कोशिश रहेगी 365 डेज तक मैं इसे बरकरार रख सकूं। सो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आप लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे और मेरे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मास्टर ट्रस्ट कैपिटल ये एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है जो कि BSE में इनका स्टॉक जो है वो लिस्टेड है, एक ब्रोकरेज हाउस है जैसे कि हम लोग Zerodha LSBlue जो है वो यूजुअली यूज करते हैं वैसा ही। सो आप लोग यहाँ पे जो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है यहाँ पे मैंने लिंक जो है अकाउंट ओपनिंग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर के रखा हुआ है, अगर से आप लोग उस लिंक थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो आप लोगों को 2x का लेवरेज मिल सकता है इस ब्रोकर थ्रू। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अकाउंट में 20,000 रुपए का कैपिटल है और आप इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड
करते हैं तो आप लोगों को 40,000 रुपए का ट्रेड का अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पे मिलेगा, यानी कि 20,000 कैपिटल के साथ में आप लोग 40,000 रुपए का ट्रेड जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसके साथ में आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी जो है वो भी बढ़ती जाएगी क्योंकि आपका कैपिटल बड़ा है, आपका जितना कैपिटल है उससे डबल कैपिटल है आपके पास। सेम टाइम पे आपका जो रिस्क का जो कैपेसिटी है वो भी आप लोग को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपका लॉट साइज जो है यहाँ पे बढ़ते हुए कैपिटल के साथ में बढ़ेगा। अगर से आप लोग लीवरेज में इंटरेस्टेड है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर के रखा हुआ है, जाकर के आप लोग अपना अकाउंट जो है वहां पे ओपन कर लीजिए, आप लोगों को 2x लेवरेज का बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आप लोग अकाउंट ओपन करते हैं हम लोगों का लिंक यूज करके तो आप लोग को मेरी जो प्राइम सर्विसेस है इंडेक्स ऑप्शंस की वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी लाइफ टाइम के लिए। अब लाइफ टाइम का मीनिंग ये होता है कि आप लोग को सेम अकाउंट पे ट्रेड करना है, जब तक आप लोग सेम अकाउंट पे ट्रेड करते रहेंगे आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को इंडेक्स ऑप्शंस की फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय करते रहेंगे। इसकी एक्यूरेसी क्या है आप लोग ऑलरेडी जो है वो देख चुके हैं। सो फटाफट से जाइए लिंक में और जो अकाउंट जिन्होंने अभी तक ओपन नहीं किया जाकर के कर लीजिए, और अकाउंट ओपनिंग होने के बाद में आप लोग टीम को नोटिफाई कर दीजिए टेलीग्राम पे और मेरे प्रीमियम सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कीजिए। साथ में गाइज, अगर आप लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए आप लोग मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे करके रखा हुआ है। एंड अगर आप लोगों ने मेरा मोबाइल का जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो नहीं डाउनलोड किया तो जरूर कर दीजिएगा क्योंकि वहां पे मैंने ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट वाला जो स्टडी का मेरा मटेरियल है वो कंटेंट जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है। साथ में गाइस लाइव मार्केट अपडेट्स के चार्ट्स और मेरा जो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी का रिलेटेड प्रोजेक्शन का चार्ट होता है वो मैं डेली बेसिस पे वहाँ पे आप लोग के साथ में पोस्ट करते रहता हूँ। सो अगर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया तो प्ले स्टोर पे जाकर के आप लोग सर्च कीजिए बैकबेंचर्स ऑफ स्टॉक्स और वहाँ से आप लोग जो है मेरा मोबाइल एप्लीकेशन जो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उसका लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे करके रखा। चलिए बात करते हैं कल के दिन की पहली ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में जो कि रहेगी मुथूट फाइनेंस की। अब मुथूट फाइनेंस की अगर पहले तो हम लोग वॉल्यूम के बारे में अगर बात करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे क्लियरली कर्व जो है वो वॉल्यूम में दिख रहा होगा, यानी कि इसका जो एवरेज वॉल्यूम आज के दिन में चल रहा था उससे अच्छा वॉल्यूम एंड ऑफ द डे इसमें एंटर हो चुका है। कोई भी मोमेंटम हम लोग को यहाँ पे अच्छा खासा जो है देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करके रखा हुआ है, कल अगर बाउंस बैक कर जाता है तो 1113 के ऊपर मुथूट फाइनेंस बुलिश हो जाएगा। 118, 125, 132 हमारे अपसाइड के लेवल्स है तो 1100 हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है। इन केस अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देने में कामयाब हो जाता है तो 1100 के नीचे मुथूट फाइनेंस वीक है, 1095, 1088 और 1078 हमारे डाउनसाइड के लेवल्स है तो 1113 हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो दोस्तों जब भी आप लोग मेरे लेवल्स के साथ में ट्रेड करते हैं तो कुछ चीज़ें जो है वो आप लोग को समझ के लेनी है, जैसे कि उसमें से पहले चीज़ ये है कि अगर से ये हम लोगों का बाय अबोव का लेवल है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, जब अगली कैंडल जो है वो इसका हाई ब्रेक करेगी तो तब हम लोग यहाँ पे अपनी एंट्री जो है वो मैनुअली ले लेंगे, ना कि ऐसे लेवल्स पे हम लोग अपने ऑर्डर्स को या फिर इन नंबर्स पे हम लोग अपने ऑर्डर्स को जो है वो पहले से लगा करके रखेंगे क्योंकि मैजिकल लेवल्स के साथ में प्राइस एक्शन का सेटअप होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ में अगर ये हम लोगों का अगर स्टॉप लॉस का लेवल है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल हमारे लेवल्स के नीचे क्लोज होनी चाहिए, जब अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी तो मैनुअली हम लोग अपने ऑर्डर्स को जो है वो ट्रिगर करने वाले हैं। साथ में दोस्तों जो भी 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं सारे के सारे स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड स्टॉक्स है, इसका मतलब ये है कि आप लोग इनके फ्यूचर्स को या फिर इनके ऑप्शंस को अपने रडार पे रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग इनके फ्यूचर्स और इनके ऑप्शंस को भी अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर आप लोग ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ पे आप लोग को ध्यान देना है कि जो भी स्ट्राइक प्राइस आप लोग सिलेक्ट करोगे वो या तो इन द मनी होनी चाहिए या तो एट द मनी होनी चाहिए, क्योंकि आउट द मनी पे ट्रेड करने के सेटअप्स और लॉजिक जो होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, उसका डेल्टा भी बहुत कम होता है। सो बीइंग बिगिनर आप लोग को ये गलती जो है वो नहीं करनी चाहिए। साथ में जो भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं सारे के सारे फ्यूचर के चार्ट पे डिस्कस करते हैं। फ्यूचर पे क्यों डिस्कस करते हैं, इसका मेन मीनिंग यही है, इसका रीजन मेन यही है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा रहेगा मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को वॉल्यूम दिखाते रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी पे ब्रेकआउट ट्रेड्स करें तो आप लोग वॉल्यूम का जरूर ध्यान रखें कि जब ब्रेकआउट हो रहा है तब वॉल्यूम है कि नहीं है उसमें। और साथ में दोस्तों जो भी आप लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिवली कंपेयर टू स्पॉट फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली चलते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे आपके ट्रेडिंग में जो है इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो होने वाली है। साथ में
जो भी लेवल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अगर आप लोग इन्हें लिख करके रख रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है गाइज। इसे आप लोग को लिख करके नहीं रखना है, अपने चार्ट्स पे इन्हें ऐड कर देना है, ताकि लाइव मार्केट ट्रांस में जब कभी भी प्राइस एक्शन का सेटअप हम लोग के मैजिकल लेवल्स के साथ में बने तो प्राइस एक्शन को कैच करने में आप लोगों को ज्यादा दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए। कल के दिन की जो दूसरी ब्रेकआउट स्टॉक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगी पॉलीकैप की। पॉलीकैप ने डाउनसाइड से एक ट्रेंड लाइन को फेस किया हुआ था जो कि इसका सपोर्ट भी था, जिसे हम लोगों का आज ब्रेकडाउन जो है वो मिल गया है। 2358 के नीचे ये स्टॉक वीक है और जब इसने ब्रेकआउट दिया तो हम लोग को एंड ऑफ द डे एक अच्छा सा वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है। 48.35-20 हमारे डाउनसाइड के लेवल से है तो 2372 हमारा स्टॉप लॉस है। इन केस अगर इसी लेवल से ये बाउंस बैक कर जाता है तो 2372 के ऊपर बुलिश है, 380-391 और 410 हमारे अपसाइड के लेवल से है तो 2358 हमारा स्टॉप लॉस है। कल के दिन की जो हमारी थर्ड ब्रेकआउट स्टॉक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाले हिंदुस्तान एरोनॉट की, यानी कि हेल की। अब अगर इसके पहले तो अगर इसके प्राइस एक्शन के बारे में हम लोग बात करने जाए तो हम लोगों को यहाँ पे एक कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है स्टॉक और ऐसे हम लोगों को डबल बॉटम का फॉर्मेशन दिख रहा है। अगर ये अपसाइड में ब्रेकआउट देने में कामयाब हो जाता है तो 2053 के ऊपर ये बुलिश है, 2061-2073-2085 अपसाइड के लेवल से तो 2041 हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है। एंड ऑफ द डे एक अच्छा सा वॉल्यूम भी एंटर हो चुका है। इन केस अगर हमारे प्रिडिक्शन के हिसाब से नहीं चला जाता है और यहाँ से एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना करके नीचे आ जाता है तो 2041 के नीचे ये स्टॉक बेयरिश है, 2032-2020-2008 हमारे डाउनसाइड के लेवल से है तो 2025 हमारा स्टॉप लॉस होगा। सो ये थे मेरे बेहतरीन तीनों ब्रेकआउट स्टॉक्स। चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मेरे मैजिकल लेवल्स के बारे में। उससे पहले एक बार देख लेते हैं हम लोग कल के दिन का जो प्रिडिक्शन होने वाला है मेरा वो। सो गाइज, जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे दो दिन अपसाइड का रैली जो है वो मार्केट ने दिया था। सो मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी मार्केट ऐसे गैप्स रखते रखते ऊपर चला जाता है तो बहुत रिस्की जो है वो हो जाता है। सो अगर हम लोगों को मैंने इस कैंडल पे आप लोगों को बोला था कि हम लोगों को एक रिजेक्शन मिल सकता है, लेकिन रिजेक्शन नहीं मिला, गैप अप बना, रिवर्सल ट्रेड फिर से अपसाइड में ही बना था। आज के दिन की अगर हम लोग बात करेंगे तो आज भी गैप डाउन मार्केट हुआ और हम लोग का अपसाइड में रिवर्सल ट्रेड जो है वो अगेन बन गया था। सो अगर कल इस डे लो जो चला जाता है आज की कैंडल का तो हम लोग को बहुत भारी भरकम गिरावट जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर कल हम लोग को हल्का सा गैप अप ओपनिंग मिल जाता है जो कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है और अगर ये डी हाई चला जाता है तो ये जो भी बुल रैली थी इसने एक सपोर्ट क्रिएट किया है एंड हम लोग को एक अपसाइड का मूव जो है वो मिल सकता है क्योंकि इसने एक पुल बैक या फिर एक रिट्रेसमेंट ले लिया है जो कि एक सपोर्ट क्रिएट करने के लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, कल स्टैंड लाइन के नीचे खुलता है, डे लो चला जाता है तो भारी भरकम हम लोगों को गिरावट जो है वो मार्केट में डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। और अगर इसके प्राइस एक्शन के बाद में अगर हम लोग इसकी बात करेंगे मैजिकल लेवल्स के बारे में तो एग्जैक्टली देख लीजिए यहाँ पे सपोर्ट पे आकर के खड़ा है। सो कल गैप डाउन होता है या फिर गैप अप ओपनिंग होता है इसके ऊपर सारी चीज़ें जो हम लोग के लिए डिपेंड करने वाली है। वैसे 17,347 इसका मैजिकल बाइंग लेवल है जिसके ऊपर ये बुलिश है, 384-428-473 और 532 हमारे अपसाइड के लेवल्स हैं। इन केस अगर अपसाइड में नहीं चला जाता है, इस ट्रेंड लाइन को डाउनसाइड में ब्रेकडाउन देने में कामयाब हो जाता है तो 17,300 के नीचे निफ्टी का फ्यूचर वीक है, 265-224-187 and 138 हमारे डाउनसाइड के लेवल से निफ्टी के फ्यूचर्स के लिए। और अगर हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में तो कुछ सिमिलर टाइप का पैटर्न हम लोग को देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में भी हम लोग को एक रिजेक्शन कैंडल जो है वो टॉप से मिल गई है, अगर डे लो चला जाता है तो बहुत ही बेहतरीन डाउनफॉल जो है हम लोग को देखने को मिलेगा, डे हाई के ऊपर अगेन बैंक निफ्टी जो है वो बुलिश हो जाएगा। सो मैंने इस ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करके रखा हुआ है जो कि हम लोग को स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे भी दिखता है। इस हिसाब से 38,000 के ऊपर बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर है वो बुलिश है, 38,096-208-312 और 434 हमारी अपसाइड के लेवल्स हैं। इन केस अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन देने में कामयाब हो जाता है जिसके बारे में हम लोग पिछले दो दिनों से डिस्कशन कर रहे थे, उस हिसाब से 37,900 के नीचे बैंक निफ्टी का फ्यूचर वीक है, 815-723-633 और 503 हमारे डाउन साइड के लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के लिए। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए मेरे बेहतरीन तीनों ब्रेकआउट स्टॉक्स, हम लोगों ने उनके लॉजिक समझे हैं, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन की है। साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, कल के दिन का मेरा मैजिकल लेवल्स
कल के दिन के प्रेडिक्शंस के साथ में। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का और अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लिंक जो है वो दे करके रखा हुआ है। लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए आप लोग वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।